बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जिसे चक्रवात मोचा नाम दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 मई तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कि कुछ ही समय में गंभीर तूफान का रूप ले सकती है। ऐसे में 12 मई के आसपास बांग्लादेश और म्यांमार के तटों पर तूफान आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए इन सबसे पहले जानते हैं कि इस चक्रवात को मोचा नाम कैसे दिया गया। बता दें, चक्रवात मोचा का नाम लाल सागर बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया। इस शहर ने आज से 500 साल पहले दुनिया में कॉफी तैयार की थी। अब चूंकि चक्रवातों का नामकरण क्षेत्रीय नियमों के अनुसार किया जाता है, तो इस चक्रवात के नाम का सुझाव यमन ने मोचा दिया था। चक्रवातों को नाम देने की सिस्टम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन यानी कि ESCAP के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। WMO के मुताबिक उत्तरी भारतीय महासागर में चक्रवात के नाम को देशों द्वारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है। चक्रवातों का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि लोग इसे एक दूसरे को समझा सके या इसके बारे में जानकारी लेने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए किसी नंबर या किसी तकनीकी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसे याद रखना मुश्किल होता है। चक्रवात को नाम देने से मीडिया, वैज्ञानिकों के साथ साथ NDRF के लिए इसकी अलग अलग पहचान करना आसान हो जाता है। मौसम विभाग की ओर से मोचा को लेकर चेतावनी जारी की गई। इस चेतावनी के तहत मंगलवार को छोटे जहाजों और मछुआरों को समुद्र के पास जाने की मनाही की गई। इसके अलावा 12 मई तक टूरिस्ट स्पॉट और अंडमान निकोबार आइलैंड के पास जाना खतरे से खाली नहीं बताया गया। मोचा चक्रवात समुद्र के किनारों पर तबाही मचा सकता है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है और तेज हवाएं आ सकती हैं। इसका असर साउथ अंडमान सागर पर पड़ सकता है। इसके साथ ही 10 और 11 मई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये बंगाल, म्यांमार, कोलकाता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, UP, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मेघालय में बारिश होने की संभावना जताई गई। IMD के डायरेक्टर जनरल M महापात्रा के मुताबिक जब चक्रवात तट की ओर बढ़ेगा और कम प्रेशर वाले इलाकों में तेज प्रेशर बनाने लगेगा, तब इसके टकराने की एग्जैक्ट जानकारी सामने आएगी और इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि ये चक्रवात कितना खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक जल्द ही मोचा से जुड़ी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मोचा से रिलेटेड ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।